हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आज देखने वाले इनो का बिस्किट के साथ में रिएक्शन। हमने तो देखा, बहुत ही कमाल धमाल था। हमारी ये इच्छा थी कि क्यों ना हमारी यूट्यूब फैमिली को भी बताया जाए, तो हम आज एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं इनो का बिस्किट के साथ में रिएक्शन। इसका रिएक्शन करेंगे हम बाद में नींबू पानी के साथ भी और नॉर्मल पानी के साथ भी। देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है। हमारे सामने तो बहुत ही धमाल का था। उम्मीद करता हूँ आपको ये देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना। हम तो ये चाहते हैं, हमारा एम है कि 50,000 हमारे को लाइक मिले, तो हमारे को काम करने का मजा आ जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले हम ट्राई कर रहे हैं नॉर्मल पानी के साथ में बिस्किट का क्या रिएक्शन देता है। तो जैसा कि हम बिस्किट डालते हैं, तो इसको देखने के बाद आप आओगे कि जस्ट 5 या 7 सेकंड के अंदर ये बिस्किट पानी के अंदर चला जाता है, नॉर्मल अंदर नीचे बैठ जाता है। तो ये तो रहा पानी के साथ में रिएक्शन। और पानी के साथ में तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, हमने भी बचपन में बहुत सारे खाए। तो ये तो हमारा फ्लॉप हो गया, इसको अपन रखते हैं साइड में। एक ग्लास और लेते हैं, इसके अंदर इनो डाल के देखते हैं इसके साथ इनो के साथ में बिस्किट का क्या रिएक्शन रहता है। तो डालते हैं इसको, देखते हैं इसका क्या रिएक्शन रहता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, पानी के अंदर डालने पर बिस्किट पूरा नीचे चला गया था, और इनो वाले पानी के अंदर डालने के बाद अभी तक भी ये ऊपर तैर रहा है, अभी तक भी नीचे नहीं गया है, और लास्ट तक भी ऐसे ही रहेगा। तो देखते हैं, ये रहा इनो के साथ में। अब देखते हैं नींबू पानी के साथ में। ये नॉर्मल पानी है, अब मैं नींबू इसके अंदर मिला रहा हूँ। ये हमारा नींबू पानी तैयार है, इसके अंदर बिस्किट डाल के देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, ये भी हो गया फ्लॉप। तो जो इनो के साथ में जो हमारा बिस्किट था, ये अभी तक भी ऊपर तैर रहा है। अब हिला के देखते हैं इसके अंदर क्या रहता है। तीनों को हिला देते हैं। तो दोस्तों, इनको मिलाने के बाद में हमने पाया कि ये बिस्किट जो है ऊपर नीचे हो रहा है अभी तक भी, पर इसके नीचे डीप में जाकर अभी तक बैठा नहीं है। तो आप देख रहे होंगे इसके ऊपर बिस्किट तैर रहा है अभी भी, ये ऊपर इसकी परत आ चुकी है। अपन इसको हिलाएंगे तो भी ऊपर नीचे हो रहा होगा। हमारे को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया देखने के बाद में। और अगर आपको ये कुछ समझ में आया, इसके पीछे क्या साइंस है, आपको अगर ये समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा कमाल का एक्सपेरिमेंट। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसके पीछे क्या साइंस थी वो जरूर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।